हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। आज हम देखने वाले हैं कि आज हम प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसका एम है प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट इन थ्री नंबर। ओके, यानी कि आपको थ्री नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो नंबर फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम इस प्रोग्राम में क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी कंडीशन क्या यूज़ करने वाले, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर थ्री नंबर लेने हैं मुझे। ठीक है, तो मैं नंबर नहीं डाल रही हूँ, उसके सिवाय मैं इंटीजर ए बी सी ले रही हूँ थ्री नंबर की जगह पे। ओके, क्लियर स्क्रीन। ओके, और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आएगा, तो प्रिंट एफ क्या करानी है प्रिंट एफ में, तो एंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, मुझे तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट मैं स्कैन एप लूँगी, जो मैंने इनपुट डाला है उसका मुझे आउटपुट में रिजल्ट चाहिए, तो मैं स्कैन एप में डालूँगी परसेंटेज डी। मैं यहाँ पे डी थ्री डालूँगी क्योंकि हमारे कितने नंबर फाइंड करने हैं, तीन नंबर डाले हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तीन बार परसेंटेज डी। ओके, एंड ए बी एंड सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मैं इफ कंडीशन का यूज करूँगी और यहाँ पे बी, यहाँ पे मैं ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। किसका यूज़ करूँगी मैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। तो आपको आइडिया होगा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये एंड लिया है, ठीक है, तो ये है द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। ओके, यानी कि ये बुलियन का ऑपरेशन, बुलियन वैल्यू है, अगर जो आपका राइट है तो वो आपको मीन्स के क्या है, आपकी कंडीशन राइट है तो वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स में जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट एफ, मुझे तीन में से जो भी नंबर डालने हैं वो, तो यहाँ पे ए इज ग्रेटेस्ट। ओके, मुझे ए को ग्रेटेस्ट दिखाना है तो मैं यहाँ पे ए इज ग्रेटेस्ट लिखूँगी। नेक्स्ट इफ कंडीशन दूसरी बार। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, बी ग्रेटर देन सी। ओके, बी ग्रेटर देन सी, यानी कि सी से मुझे बी बड़ा बताना है, तो मैं एंड ऑपरेटर एंड ए से बी बड़ा बताना है, तो बी ग्रेटर देन ए। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में क्या लूँगी कि बी इज ग्रेटेस्ट। कौन्स कंप्लीट। इफ सी को मुझे ए से बड़ा बताना है तो एंड ऑपरेटर, ठीक है, और बी से भी बड़ा बताना है तो बी, ठीक है, एंटर। नेक्स्ट प्रिंट एफ,
सी इज ग्रेटेस्ट, ओके काउंस कंप्लीट। ओके इस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, हमें ग्रेटेस्ट थ्री नंबर में से कोई भी वन नंबर ग्रेटेस्ट का मीन्स के फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंटीजर वैल्यू ली है, उसमें मैंने ए बी सी यानी कि यहाँ पे आप नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री भी लिख सकते हो, उसको मैंने फिर प्रिंट एप में डाला, स्कैन एप किया और इफ कंडीशन में डाला। मुझे ए को बी से ए को बड़ा दिखाना है तो मैंने ए ग्रेटर देन बी डाला और यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। वैसे ही उसको प्रिंट एप में मैंने ए इज़ ग्रेटेस्ट बताया है। नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही किया है कि बी बी की बी को बड़ा बताया है सी से और सी को बड़ा बताया है ए और बी से, और तीनों को मैंने वैल्यू दी है सेम ही ग्रेटेस्ट ही। ओके तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। ओके यहाँ पे मैं तीन नंबर डालूँगी सिक्स, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है कि 10 ज़्यादा है। मैंने ए में 6 वैल्यू डाली है, बी में 9 वैल्यू डाली है और सी में 10 वैल्यू डाली है, तो इन तीनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हुआ, तो सी। ओके दूसरी बार हम चेक करते हैं 12 3 और 5, तो हाँ क्या नंबर आया, ए इज़ ग्रेटेस्ट बताया। ठीक है तो इस तरह से हम जो थ्री नंबर है उसमें से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है तो प्रोग्राम इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसमें सिंपली इंटीजर वैल्यू लेनी है, इफ कंडीशन का यूज़ करना है एंड
तो यहाँ पे हम इस तरह से जो थ्री ग्रेटेस्ट नंबर है वो हम कर सकते हैं, ठीक है।